वीडियो बना लिया है सर, वीडियो भी बना लिया। ये नजारा बिहार के भागलपुर का है। यहाँ आसानी पिच, यहाँ आसमानी बिजली एक स्कूल की छत पर गिर गई। इससे छत में छेद हो गया और मलबा कमरे में बिखर गया। घटना के समय स्कूल के प्रिंसिपल स्कूल के ऑफिस में मौजूद थे, जो बाल बाल बच गए। ये घटना नवगछिया अनुमंडल में स्माइलपुर प्रखंड के राजकीय कृत उच्च माध्यमिक विद्यालय कमला कुंड की है। कैसे क्या हुआ है? लगभग 1:45 के करीब बारिश और गर्जन के साथ बारिश शुरू हुई। हम कार्यालय में बैठे हुए थे और मेरा एक आदेशपाल, वो भी गेट के पास बैठा हुआ था। बारिश की समय थी, कक्षा हो रही थी और टीचर सब भी नीचे थे। उसी समय ठनका तो पहले भी 2-4-5 दफ़े आवाज़ पश्चिम से हुआ, लेकिन लास्ट समय में जब ठनका गिरी तो जस्ट मेरे कुर्सी के ऊपर में ही, वो व्हील चेयर के कुर्सी जहाँ पर है वो उसके ऊपर में ही गिरा और मैं काठ की कुर्सी पर साइड में 3 फीट के साइड पर इधर हट के इधर ही बैठा हुआ था। और जैसे ही ठनका गिरी पूरा रूम अंधेरा हो गया। छत में सिर्फ बारिश हो रही थी। बारिश का पानी जब चूने लगा, बारूद से रूम भर गया था। तब अस्थिर होकर हम थोड़ा खड़ा साइड में खड़ा हुए, तब देखे तब व्हील चेयर को भी थोड़ा इधर हटाए, टेबल सब पेपर था। बताया जा रहा है कि प्रधान अध्यापक ब्रिजेश कुमार अपने ऑफिस में थे, उसी दौरान बारिश होने लगी। बादलों की गरज के साथ आकाशीय बिजली गिरी तो स्कूल की छत में छेद हो गया, जिससे प्रधान अध्यापक बाल बाल बच गए। छत में छेद होने के साथ बारिश का पानी कमरे में भर गया और छत का मलबा बिखर गया। क्या कुछ घटना हुई है? हाँ, घटना जो हो गया है ठनका ठनका जैसे बरसा दुमाला में रहती है ऑफिस, सबसे खिड़की लगा रहे थे, उसके पश्चिम में देखे बहुत लाल ऐसा लगा। हम खिड़की लगा करके एक पेपर था, पेपर हम पढ़े, जो हम पढ़ने के बैठे थे तो ऐसा लगा कि गिरा, हों करके गिरा पानी, अथी चुने लगा और अथी गिट्टी सब समुचा स्कूल मैंने कि अथी हो गया, भरभरा गया एकदम। अब तो तब धीरे धीरे हम लोग निकले, अच्छी चैन महकता था एकदम, पूरा एकदम बदबू एकदम। नुकसान क्या हुआ है? नुकसान तो यही सब हुआ है, 100 प्लेट का पिलर वहाँ का टूट गया ऊपर का, नुकसान हुआ, नुकसान हुआ है। आप किस स्कूल में हैं? हम हाई स्कूल कमला कुंड में, कृष्ण विद्यालय कमला कुंड में। क्या नाम हुआ? रामचरित्र पासवान परिचारी। इस घटना के बाद स्कूल के सभी कर्मचारी डरे सहमे हुए हैं। बिजली गिरने से कमरे में दरार आ गई, सारे बिजली उपकरण और वायरिंग जलकर ध्वस्त हो गए। भागलपुर से अंजनी कुमार कश्यप की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।